गुड क्वेश्चन है। आई एम एम ए इकोनॉमिक्स एम एस सी केमिस्ट्री। मुझे साइंस चूज करना चाहिए या फिजिकल साइंस? ये उत्तर आपको तभी मिलेगा अगर आपने ये आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है केमिस्ट्री, एम एस सी ये केमिस्ट्री, ओके केमिस्ट्री। तो इसका बन रहा है आपका सीधा फिजिकल साइंस, आप ले सकते हो। फिजिकल साइंस लेते हो तो आप, ये रहा पीजीटी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसका वीक पॉइंट क्या है कि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट कम होती है, जैसे 30 40 50 60 है ना, इतनी निकलेंगी, इससे भी कम ही है वैसे, 60 50 इसके करीब निकलती हैं, कितनी निकलेंगी ये नहीं पता। तो इसके लिए आपको एडिशनल कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाँ ये इसकी सैलरी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप साइंस लेते हो, अगर आपके पास केमिस्ट्री के साथ, आपने ये नहीं बताया कि केमिस्ट्री के साथ आपने फिजिक्स या बायो पढ़ी है, अगर ये दो साइंसेज पढ़ी हैं कोई केमिस्ट्री के साथ ये या ये, फिर आप साइंस लेते हो तो आप यहाँ पर ये टीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये अगर 50 निकली हैं तो ये 300-400 निकलेंगी कम से कम, इससे प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन आपकी स्किल, नॉलेज, इंटरेस्ट किस में है, इसके बेस पर अभी आप डिसाइड कर सकते हो। तो नॉर्मली जो होता है कि अगर आपने दो साइंसेस पढ़ी हैं तो आपको कोई भी एडिशनल पेपर ग्रेजुएशन का नहीं देना पड़ेगा। 3 साल आपके पूरे हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट बन रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पंजाब में एलिजिबल बन रहे हो साइंस के लिए। तो साइंस प्रेफर इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट उनकी ज़्यादा होती है। आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट नॉलेज कितनी है तो ये आप पर निर्भर करता है, तो इसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको जॉब की नहीं, ज़्यादा अपने जो इंटरेस्ट की है, जिसमें आप फिजिकल साइंस के बनना चाहते हो, जहाँ हायर एजुकेशन के लिए कंपटीशन, इसमें जो टेस्ट होना है उसके लिए कंपीट बेटर कर पाओगे, तो आप फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस चूज़ कर सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।